ज्यादातर लोग अपने लाइफ में पता है सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? जानना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि वो कोई भी काम को शुरू तो बहुत अच्छे से करते हैं पर वो बीच में ही छोड़ देते हैं। एक बहुत अच्छी बुक है जीत आपकी। अगर अभी तक आप बुक नहीं पढ़ते हो और बुक पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हो तो आप बुक पढ़ने से शुरुआत करना, जीत आपकी। बहुत शानदार स्पेक्युलर बुक है। आपका लाइफ, आपका सोचने का नजरिया सब चेंज हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मैंने भी वहीं से शुरुआत की थी करीबन 10 साल पहले। तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन ये लिखी हुई है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में असफल नॉलेज की वजह से या एजुकेशन की वजह से नहीं बल्कि काम को बीच में ही छोड़ देने की वजह से असफल हो जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है और वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दुकान खोलते हैं, महीने, दो महीने, तीन महीने, छः महीने रिजल्ट नहीं मिलता है ना, उसके बाद दुकान बंद कर देते हैं। और ये सर्वे हुआ है और उसमें पता चला है कि एक कोई बिजनेस जब स्टार्ट होता है, जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं ना उसमें से 90% बिजनेस एक साल में ही बंद हो जाते हैं, शटडाउन हो जाते हैं। और उसके जो 10% बचे हैं उसके 90% बाकी 3 साल में बंद हो जाते हैं। जो बिजनेस 3 साल तक रन हो गया उसकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर हो जाती है बंद होने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना? तो एक साल में बहुत सारे लोग जैसे कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है, महीने, दो महीने, छः महीने आप तैयारी करते हो, आप एग्जाम फेस करते हो, एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, दूसरी बार एग्जाम दी, उसके बाद में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, अरे मैं तो 2 नंबर से रह गया, वह मैंने दुकान खोल ली, वह मैं तो ये हो गया, है ना। बहुत सारे लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं। अपनी इंग्लिश क्लास आना स्टार्ट करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने जब कोई नई बिजनेस स्टार्ट होती है तो 25-25 स्टूडेंट होते हैं और फिर उसके बाद में थोड़े दिन देखो आप, महीने, दो महीने के बाद में वही छट जाते हैं। और एट द एंड कोर्स कितने लोग करके निकलते हैं, मात्र 7 से 8 लोग। ओके, मतलब 25 लोगों में से हम सिर्फ 7 से 8 लोगों को ही अच्छा स्पीकर बना पाते हैं, हमारी गलती की वजह से नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। इनको जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं, हाथ उठा के दिखाओ। चलो मैं सुनाता हूँ कि स्टोरी, अरे एक बार और सुन लो। इनका नाम है दशरथ मांझी। क्या किया सर इन्होंने? अरे मैं बता रहा हूँ ना, किया क्या है इन्होंने, पूरी कहानी नहीं पता है आपको इनकी, मैं बताता हूँ आपको। आपको बस इतना पता है कि इन्होंने पहाड़ तोड़ा है, पर इन्होंने कब तोड़ा, किस सिचुएशन में तोड़ा और क्यों तोड़ा, इसका पीछा का नहीं पता। हाँ, ये है दशरथ मांझी। हाँ, इन्होंने क्या किया अपन बात कर रहे थे। चलो मैं इनकी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। ये बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, देहात जिसको बोलते हैं ना, देहात किसको बोलते हैं, गांव नहीं, देहात। देहात किसको बोलते हैं, ऐसा छोटा सा कस्बा जहाँ पर कोई किसी तरह की सुविधा नहीं, मतलब किराने की दुकान भी नहीं, उसको बोलते हैं देहात। तो ये बहुत छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं। एक गाँव से, इनके गाँव से दूसरे गाँव में जाने के लिए, जैसे इनको अगर कोई सामान लेना होता था तो एक गाँव से दूसरे गाँव जाना पड़ता था। अगर कहीं कोई नौकरी पे जाना है, नौकरी मतलब कि जैसे ये पढ़े लिखे नहीं थे तो दूसरों के खेतों में काम किया करते थे, इनके पास इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी भी नहीं थी तो ये क्या करते थे, दूसरी जगह मजदूरी करने जाया करते थे एक गांव से दूसरे गांव में। तो हुआ क्या कि एक बार, मतलब आपने देखा, अच्छा बहुत सी बार आप लोगों ने देखा होगा पिक्चरों में, बताते हैं जैसे पुरानी पिक्चरों में क्या बताते हैं, जैसे हस्बैंड सुबह अगर, पति अगर खेत पे जाते हैं तो औरतें वो टोकरी लेके रोटियां खा लो। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? नहीं देखा? सही होता देखा ना आप लोगों ने? तो ये रियल है, ये पहले हुआ करता था, है ना। पहले पति जो सुबह उठ के चाय नाश्ता करके और चले जाते थे खेत पे और फिर दिन भर वहाँ काम करते थे और जो भी औरतें हुआ करती थी ये सब घर का काम करने के बाद में खाना वाना बना कर उनको लाया करते, उनके उनके लिए खाना लाया करती थी। तो इनके साथ में भी ऐसे ही होता था। अब क्या है कि एक गांव से दूसरे गांव में जब ये मजदूरी करने जाते थे तो इनके पास 2 ऑप्शन हुआ करते थे। एक ऑप्शन तो रोड से जाना, पर रोड से जाने में 3 घंटे लगते थे और रोड से आने में 3 घंटे लगते थे, मतलब जो रोड था, जो एरिया था। अब दूसरा इनके पास था, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक पहाड़ था बीच में, उसको क्रॉस करके जाना, तो पहाड़ क्रॉस करके जाने में सिर्फ 1/2 घंटे का समय लगता था, है ना। तो जितने भी ज्यादातर गांव वाले वहां पर होते थे तो पहाड़ क्रॉस करके जनरली जाया करते थे कि 3 घंटे घूम के कौन जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि ये जब मजदूरी करने दूसरे गाँव गए तो इनकी वाइफ खाना लाने के लिए, मतलब इनको खाना देने के लिए पहाड़ क्रॉस कर रही थी। इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, है ना। तो क्या हुआ, पहाड़ जैसे ही चढ़ रही थी उनका पाँव फिसल गया, पाँव फिसलने की वजह से वहाँ से नीचे गिर गए, है ना। और इनको फिर जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बोला अगर आप इसको 1/2 घंटा पहले ले आते तो हम इनकी जान बचा लेते, तो उनकी डेथ हो गई ले जाते समय। तो इनको गुस्सा आया,
अब गुस्सा आया कि अगर आधा घंटा पहले हम इनको ले आते तो जान बच जाती मेरी वाइफ की, इनकी वाइफ को बहुत प्यार करते थे। तो उस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो पहाड़ है मैं इसको तोड़ दूंगा और रास्ता बना दूंगा लोगों के आने जाने के लिए। अब क्या हुआ, जोर जोर में काम स्टार्ट करा इन्होंने, है ना, पहाड़ तोड़ने का। अच्छा, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो अपने और अपने बच्चों की, पहाड़ कोई तुम्हारे अकेले तोड़ने की बात है क्या, है ना, मूर्ख मत बनो, चलो वाह कोई बात नहीं, तुम तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई तो तुम उससे प्यार करते थे और चलो ठीक है हम दूसरी शादी करा देंगे, बहुत बोला लोगों ने, पर नहीं माने। एक साल, डेढ़ साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल, आपको मालूम है कितना टाइम लगा? 22 साल लगे इनको पहाड़ तोड़ने में, पर इन्होंने उस पहाड़ को तोड़ दिया। हम में से कितने लोग हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, 22 साल तक उस काम के लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं, कोई है नहीं। 22 साल तक अगर हमें सफलता नहीं भी मिले तो भी हम करने के लिए तैयार है, कोई है, कोई नहीं। हम तो एक साल, डेढ़ साल, दो साल ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लें, उसके बाद तो छोड़ना ही, उसके बाद तो और कुछ देखना ही है, ऐसा होता है अक्सर, ऐसा ही होता है। तो आज अपन इनका एग्जाम्पल क्यों ले पा रहे हैं और हमें क्या करना है इस आने वाले साल में? सोचो अगर एक साल के बाद में ये थक जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं मेरे से तो नहीं टूटेगा, दो साल के बाद थक जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो क्या आज हम इनका एग्जाम्पल ले रहे होते हैं? यहाँ पर ले रहे होते नहीं ले रहे होते? अच्छा, 5 साल बाद छोड़ देते तो हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं? 10 साल बाद? मैं बोल रहा हूँ अगर ये 20 साल बाद भी काम को छोड़ देते ना तो अभी आज हम इनका एग्जाम्पल नहीं लेते। इन्होंने जब तक उस पहाड़ को तोड़ नहीं दिया तब तक उसको छोड़ा नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग आते थे, इनके रिलेटिव्स आते थे, गांव वाले आते थे, है ना, तो ये एक ही बात बोलते थे, ये बताया क्या बोलते थे, अरे चलो तुम जिंदगी खराब मत करो, तो ये एक ही बात बोलते हैं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आप भी जो कर रहे हो ना, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार, जब तक अटेम्प्ट करने के चांसेस हैं तब तक मैं करूँगा। और घर वाले बोले वाह कोई बात नहीं बेटा ये कर ले, नहीं, जब तक बनूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक बनूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। बार बार बोल के बताओ, पूरी एनर्जी से बोल के बताओ। एक और डायलॉग उनका बहुत अच्छा था, मालूम है आप लोगों को, देखो जब भी आप फेल हो जाओ ना और लोग आपको डिमोटिवेट करने लगे कि तेरे से नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक बार दो बार तूने एक साल भर तो ट्राई करा, कोई बात नहीं, रहने दो, उसको छोड़ दो, भाई ये कर लो, तब एक ही लाइन बोलना, जब भी आप कोई नया कुछ ट्राई करना चाहो, आप दुकान खोलो नहीं चलो, आप प्रिपरेशन करो नहीं चले, आप कोई कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट करो बच्चे नहीं आए, तो उनको बोलना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे?